गुड मॉर्निंग क्लास थ्री, ओपन योर मैथ बुक्स पेज नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म होता क्या है। एक्सपेंडेड फॉर्म को करने के लिए सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू का चार्ट बनाते हैं। किसी भी नंबर में जितने डिजिट्स दिए हैं इनके प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया जाता है। प्लेस वैल्यू का ये हमने चार्ट बनाया, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। वंस में हमने, हमारे पास कोई डिजिट नहीं होता, तो वंस में हम वन वैल्यू को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, नाइन वन ज़ा नाइन। टेंस में हमारे पास थ्री है, तो हमने टेन, थ्री को हमें टेन के साथ मल्टीप्लाई करना है। थ्री मल्टीप्लाई टेन इज इक्वल है 30 के। उसके बाद हमारे पास हंड्रेड है, हंड्रेड हमारे पास एट लिखा है, एट मल्टीप्लाई हंड्रेड इज इक्वल है 800 के। नेक्स्ट हमारे पास थाउजेंड है, सिक्स मल्टीप्लाई थाउजेंड इज इक्वल है 6000 के। तो इस तरह हमारे पास नाइन हो जाएगा नाइन, थ्री हो जाएगा 30, एट हो जाएगा 800 और थाउजेंड हो जाएगा 6000। तो इसको हमने करने के लिए लिखना है 6000 प्लस 800 प्लस 30 प्लस 9। हमने जब एक्सटेंडेड फॉर्म का आंसर निकालना है तो हमने प्लस का साइन डालना नहीं भूलना। स्टूडेंट्स, आप लोगों को जब समझाने के लिए हमने ये प्लेस वैल्यू का चार्ट बनाया था, आपने इसको बार बार सॉल्व इस तरह नहीं करना। सेम इसी मेथड से आप लोगों ने पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, आप लोगों ने सेम इसी मेथड से इसको बुक पे सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 15 देखें। क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट दिस एक्सपेंडेड फॉर्म देन राइट द नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए देखिए, 7000 प्लस 300 प्लस 10 प्लस 6। ये एक्सपेंडेड फॉर्म की शॉर्ट फॉर्म होगी, इसके लिए भी हमने एक चार्ट बनाया है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। सिक्स वंस इज सिक्स, टेंस की प्लेस वाली हमने जस्ट वन लिखना है, हंड्रेड, थ्री हंड्रेड हमने ज़ीरो नहीं लिखना, हमने जस्ट थ्री लिखना है। थाउजेंड हमारे पास 7000 है, हमने ज़ीरो नहीं लिखना है, हमने जस्ट सेवन लिखना है। तो हमारे पास आंसर होगा 7316। स्टूडेंट, सेम इसी मेथड से आप लोगों ने क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, आप लोगों ने बुक पे सॉल्व करने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।